Assalamu alaikum, class 10th. Today the topic of our discussion is the method of preparation for alkynes. हमने पीछे जितने भी पढ़े हैं अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लिए हैं, अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अल्काइंस. अल्काइंस बेसिकली अगेन हमें पता है कि इट इज़ अगेन एन अनसेचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये भी अनसेचुरेटेड होते हैं एंड देयर एग्जिस्ट अ थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम एट एनी वन पोजीशन एट योर लेवल. आपके लेवल पे किसी एक पोजीशन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस के लिए एग्जिस्ट किया करता है. एंड अगेन हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं अनसेचुरेटेड की, बिकॉज दीज ट्रिपल बॉन्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द अनसेचुरेशन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. किस तरह से बनते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने खुद अपना टॉपिक रीड आउट करना है. यू आर गोइंग टू डू द सेल्फ असेसमेंट बाय योरसेल्फ एज वेल. वी विल डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्काइंस, दैट इज बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स. जिस तरह अल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ी थी कि डी हाइड्रोहेलोजिनेशन अगर कर दी जाए, एक हाइड्रोजन हेलाइड को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम एन अल्काइल हेलाइड, तो आपके पास एक अल्कीन बनता है. वेयर एज अल्काइंस की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो आपने अगर कोई विसिनल डाइहेलाइड को यूज़ करेंगे, विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ, उसको यूज़ करते हुए अगर आप उसकी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें तो आपके पास एक अल्काइन बन जाया करता है. विसिनल डाइहेलाइड इज़ अ डाइहेलाइड दैट हैज़ टू हेलोजन एटम्स एट रिस्पेक्टिव और एट टू हेलोजन एट एडजेसेंट कार्बन एटम. यानी कि दो कार्बन एटम जो साइड बाई साइड पड़े हुए होंगे, उन दोनों के ऊपर एक एक अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड आपका उस वक्त विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर भी इस कार्बन के ऊपर भी क्लोराइड अटैच कर दूँ और अगर इस कार्बन के ऊपर भी क्लोराइड अटैच कर दूँ तो ये मेरे पास दिस कार्बन नंबर, और मैं इसको नंबरिंग भी साथ दे देती हूँ, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2. सो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 दे आर बोथ एडजेसेंट टू वन अनदर. व्हाई दे आर एडजेसेंट? बिकॉज दे आर प्रेजेंट साइड बाय साइड टू ईच अदर. एंड ऑन बोथ ऑफ दीज कार्बन एटम, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, टू हेलाइड आइंस आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आइंस. देयरफॉर दे मेक अप अ विसिनल डाइहेलाइड. तो जब आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है अल्काइंस की प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपने एक विसिनल डाइहेलाइड को, या हम इसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, इसको कंसिडर करना है. ठीक है जी, कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि आपके पास कोई विसिनल डाइहेलाइड होना चाहिए, ऐसा हेलाइड, ऐसा अल्काइल हेलाइड जिसके दो कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर आपके दो हेलोजन एटम्स अटैच हो, उस वक्त आपके पास एक अल्काइल हेलाइड आपका विसिनल डाइहेलाइड कहलाता है. इस विसिनल डाइहेलाइड की हमने क्या करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. यानी अगेन आपने इसमें से एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से एक हेलोजन यानी एक्स को और एक दूसरा आपने एच को जो है वो रिमूव करना है. किस तरह से करना है? जैसा हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे. क्या करेंगे? एक तो आपने सबसे पहले जी कंसिडर करना है विसिनल डाइहेलाइड है. मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना कंपाउंड जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, CH3CHCl CH2 CL. ये मेरे पास मेरा एक विसिनल डाइहेलाइड है और इसका जो नेमिंग आपकी ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग आ जाती है, दैट इज 1,2-dichloropropane. ठीक है जी, ये इसका नोमेनक्लेचर कहलाता है. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. सो 1,2-dichloropropane. इसको हमने ट्रीट करना है अगेन किसके साथ? इसको हम अगेन ट्रीट करेंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल. सो दिस रिएक्शन बेसिकली अकर्स इन टू स्टेप. ये टू स्टेप मैकेनिज्म के ऊपर चलने वाला आपका एक रिएक्शन है. सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ किया था क्लास 10th, बिल्कुल उसी स्टेप के ऊपर आपने अपना हेलाइड और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हेलाइड को यहाँ से रिमूव करना है फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम. क्या करेंगे? कार्बन नंबर 1 पर से क्लोराइड जो है वो आपका पोटाशियम के साथ जो है वो बॉन्ड बना के निकल जाएगा, वेयर एज यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 पर आपका हाइड्रोजन है वो OH के साथ बॉन्ड बनाकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3CCl डबल बॉन्ड CH2. ठीक है जी, और इसके बाद और साथ इसके यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ पर निकलता है KCl प्लस H2O. ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में हो गया. व्हाई दिस इज फर्स्ट स्टेप? बिकॉज देयर स्टिल अ हैलाइड आयन एटम दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, जिसको आपने फर्दर रिमूव करना है सो दैट आपका जो पहले
क्या हुआ आपका, पहले हमने जो भी विसिनल डाइहैलाइड लिया था उससे पहले आपकी एक अल्कीन फॉर्मेशन हुई, दिस इज़ एन अल्कीन। इसके बाद आपके पास इसी को फर्दर हम अगर पोटाशियम अल्कोहली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास एक अल्काइन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि ये जो आपका प्रोडक्ट था इसी को यूज़ करेंगे CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, इसको फर्दर हम ट्रीट कर देंगे विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल। तो अगेन यहाँ पर बिल्कुल इसी स्टेप के ऊपर पोटाशियम क्या करेगा, आपका हेलाइड के साथ बॉन्ड कर जाएगा एंड यहाँ से जो एक हाइड्रोजन एटम है वो इस OH के साथ बॉन्ड कर जाएगा एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O। नाउ लुक ओवर हियर, यू हैव इट हैड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइन दैट इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोपाइन, ये आपका प्रोपाइन कहलाता है। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव बेसिकली डीहाइड्रोहैलोजिनेटेड आप विसिनल डाइहैलाइड, आपने एक विसिनल डाइहैलाइड को पकड़ा, ऐसा डाइहैलाइड, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर आपके हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसको फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रीट किया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन। यहाँ पर एक अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, पहले कार्बन वन से आपने हैलाइड रिमूव करना है और उसी के साथ प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम पर सर आपने, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम की यहाँ पर सारी स्टोरी होती है, तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके अपना पहले अल्कीन बनाना है। देन इन द स्टेप नंबर टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट अल्कीन अगेन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और उस वक्त भी आपके पास एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से एक पे से क्लोरीन और दूसरे पर से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेट्स से कि क्लोरीन अब आपका कार्बन नंबर टू पर से रिमूव होगा और कार्बन नंबर वन पर से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद आपका बनाएगा प्रोपाइन बनाएगा, दैट इज़ एन अल्काइन। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव डीहाइड्रोहैलोजिनेटेड अ विसिनल डाइहैलाइड अ जेमिनल डाइहैलाइड टू फॉर्म एन अल्काइन दैट इज़ प्रोपाइन। अगेन आप वहाँ पर देखें मेरे पास वो एक प्रोपेन की चेन को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड था, उससे मेरा क्या प्रोडक्ट बना, मेरे पास एक प्रोपाइन की फॉर्मेशन हुई। अब आपने विसिनल डाइहैलाइड की कंडीशन को यहाँ पर लाजमी याद रखना है, कोई भी आपको अल्काइल हैलाइड पकड़ाया जाए अगर तो वो विसिनल डाइहैलाइड है, यानी उसके एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हैलोजन एटम्स अटैच हैं, ओनली देन यू कैन प्रिपेयर योर अल्काइन, अदरवाइज आप अपना कभी भी अल्काइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपकी बुक में मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है दैट यू हैव टू टेल वेदर दिस का अल्काइल हैलाइड और द अदर अल्काइल हैलाइड इज़ अ विसिनल डाइहैलाइड, तो आप उसमें से खुद उसको चेक करें और उसको खुद अब आप मार्क करें कि कौन सा इसमें से विसिनल डाइहैलाइड होगा। सो अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ विसिनल डाइहैलाइड नॉट अ सिंपल अल्काइल हैलाइड। सिंपल अल्काइल हैलाइड आपकी अल्कीन की प्रिपरेशन में यूज़ हुआ करता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन में, जिसमें आपने यूज़ क्या करना है, आपने टेट्राहैलाइड को यूज़ करते हुए उसकी डीहैलोजिनेशन करनी है एंड अगेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर अल्कीन। ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, दैट इज़ बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। अगर अल्काइंस को ही हमने प्रिपेयर करना है तो अगेन हम एक सेकेंड मैथड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। डी हैलोजिनेशन, अगेन डी का लिटरल मीनिंग अगर देखें तो दैट मीन्स टू रिमूव एंड हैलोजन का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर हैलाइड्स, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन वो सारे अब आपको पता है, यानी कि अगर हम किसी टेट्राहैलाइड को लेते हैं, ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें आपके फोर हैलाइड्स प्रेजेंट हों और इसको अगर हम डीहैलोजिनेट कर दें यूजिंग जिंक डस्ट अलोंग विद द हीट, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अगेन अ कंपाउंड दैट विल बी नोन एज टू बी योर अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड की तरफ आ जाए, दिस इज़ अ टेट्राहैलाइड, ये मैंने आपके सामने एक टेट्राहैलाइड लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दिस इज क्लोरीन वन क्लोरीन टू क्लोरीन थ्री एंड दिस इज क्लोरीन फोर, फोर हैलाइड्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर, दैट्स मेक इट अ टेट्राहैलाइड। और इसका नाम भी आपकी बुक में लिखा हुआ होगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज नोन एज टू बी योर टेट्राहैलाइड, इसको लेकर आपने ट्रीट करना है विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये सिंबल हम हीट के लिए डेल्टा यूज किया करते हैं एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वर्ट, ये जिंक जो है वो पहले इन टू हैलाइड्स को रिमूव करेगा एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से, कभी भी एक कार्बन से दोनों हैलाइड इकट्ठे रिमूव नहीं होते, हमेशा एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से ही आपने अपने हैलाइड्स को रिमूव करना है एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन फर्स्ट स्टेप। ठीक, पहले आपने क्या किया, टेट्राहैलाइड से अपना इथीन बना लिया एंड दिस इज 1,2-डाई क्लोरो इथीन,
देन वॉट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर योर अल्काइन. तो आप क्या करेंगे, 1-2 डाइक्लोरोइथीन को फर्दर ट्रीट कर देंगे विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. एंड नाउ अगेन आपके दोनों जो रिमेनिंग हेलाइड एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट थे, दैट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड विद रिएक्टिंग विद द जिंक डस्ट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड इन द सेंटर ऑफ दिस कार्बन एटम. एंड द कंपाउंड नाउ नोन इज नोन एज टू बी योर इथाइन. सो आपने टेट्राक्लोरोइथेन को यूज़ करते हुए अपना इथाइन जो है उसको जनरेट कर लिया है. सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर कोई डिफरेंट कंपाउंड ले लेती हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास वो हमेशा एक टेट्राहेलाइड ही होना चाहिए. टेट्राहेलाइड होगा तो ही वो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तभी वो हीट होगा एंड उसी के बाद वो भी टू स्टेप्स में जाता हुआ आपके पास एक अल्काइन को डेवलप करेगा. सो द पॉइंट टू बी रिमेंबर ओवर हेयर दैट व्हेन वट एवर मैथड यू आर यूजिंग एट योर लेवल टू प्रिपेयर योर अल्काइन, यू आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोसीड योर रिएक्शंस इन टू स्टेप्स. हमेशा आपके रिएक्शंस टू स्टेप में होंगे, मे इट बी दिस वन और मे इट बी द फर्स्ट वन. जो फर्स्ट वन मैंने आपके साथ किया था दैट वॉज रीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अगेन हेलाइड ही थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हेलाइड किस टाइप का था, वहाँ पर हेलाइड था हमारे पास विसिनल डाईहेलाइड का. टू स्टेप्स के अंदर वो रिएक्शन भी आपका हुआ था, फर्स्ट स्टेप में आपका अल्कीन बना था, सेकंड स्टेप में आपका अल्काइन बना था. सेम इज़ द केस ओवर हियर, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया कि अब आपने यहाँ पे डीहेलोजिनेट करना है, सिर्फ हेलोजेंस को रिमूव करना है और टेट्राहेलाइड्स को यूज़ करते हुए आपके पास आपका जो है वो अल्काइन यहाँ पर जनरेट हुआ करेगा. टेट्राहेलाइड जो है वो आपने यूज़ किया, उसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया, हीट करेंगे, पहले स्टेप में आपके पास एक अल्कीन बनाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसी अल्कीन को यूज़ करते हुए आपने अपना अल्काइन जो है उसको जनरेट करना है. अब करना यह है क्लास 10 दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज इक्वेशंस इन योर नोटबुक्स एज वेल. अब मेरे रजिस्टर्स के ऊपर इनको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें, आप सारे कन्फ्यूज़ कर देंगे अदरवाइज. एक स्कीम बनाएं, मैथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग करके लिखें और उनको अलग अलग याद करें, साथ ही जो सेल्फ असेसमेंट्स गिवन उनको साइड बाई साइड अपनी नोटबुक के ऊपर करते जाएं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़.